हेलो माय लवली पीपल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि धान कैसे लगाए जाते हैं। धान यानी कि चावल, चावल की स्टार्टिंग प्रोसेस कैसे की जाती है। तो यहाँ पर ये लग चुके हैं ऑलरेडी। अब आपको मैं बताती हूँ, देखिए पहले इस तरह से खेत को लेवलिंग की जाती है विद वाटर। पहले खेत में बहुत सारा पानी को स्टोर किया जाता है, तो उसके बाद उस पर ट्रैक्टर बार बार चला के मिट्टी को बिल्कुल सॉफ्ट और एक लेवल अप करना पड़ता है, तभी आप उस पर चावल लगा पाते हैं। चावल यानी कि धान, और धान यानी कि जो भी यहाँ पे इनिशियल स्टेज जो है वो हम पैडी क्रॉप करने वाले हैं, इसको पैडी क्रॉप बोला जाएगा। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से धान लगाए जाते हैं। ये काफ़ी टफ रहता है, ये ट्रैक्टर से जिस तरह से आप लेवलिंग देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये बार बार करना पड़ता है, और ट्रैक्टर इस पानी में चलाना काफ़ी टफ रहता है। ये तो हो गया हमारा स्टेज वन। अब आता है हमारा पार्ट टू। पार्ट टू में क्या है, ये देखिए, ये जो जो आपको दिख रहा है, एक आंटी और अंकल ये निकाल रहे हैं ना बूटे को, छोटे छोटे को, ये सारा पहले ही बो के रेडी किया जाता है। अप्रॉक्स एक महीना पहले इसको हम बीज देते हैं और उसके बाद इसको निकाला था। महीना तो नहीं मैं कहूँगी, अराउंड 20 डेज़ आई गेस, 20 डेज़ के बाद इसको निकाल दिया जाता है। ये चावल के बीज टगाए गए हैं और उनमें से इनको निकाला गया। अब एक एक स्ट्रिंग अलग अलग इस तरह से फील्ड में लगाई जाएगी। पानी इसमें होना बहुत ज़रूरी है, पानी के बिना ये नहीं लग पाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ किस तरह से इसको लगाते हैं। ये देखिए, एक एक स्ट्रिंग आप देख रहे हैं ना, मतलब एक ही जगह पे मिनिमल 2 से 3 स्ट्रिंग्स आप कह सकते हैं कि जगह पे लगाते हैं, थोड़ा मिनिमल डिस्टेंस रहता है, और उसके बाद इस तरह से पानी में ये लगता है। पानी इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ पर आप धान नहीं उगा सकते, यानी कि वहाँ पर चावल नहीं लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पूरे खेत में चावल लग चुके हैं, कुछ महीनों में ही ये बनकर तैयार होंगे। 4 to 5 months लगते हैं रेडी होने में, और उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। फिर इनकी कटाई होती है, फिर मशीन के थ्रू इनके एक दाने को निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।